हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनिश गेमर। आ गए हैं एक और वीडियो के साथ जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आंखों का धोखा। शुरुआत में ही मैं यहाँ पे छत पे ढूंढ रहा होता हूँ कि कोई बंदा उतरा या नहीं, या सबसे पहले मैं ही उतर गया तो मेरे को दूर बंदे दिखते हैं, तो मैं आगे भागता हूँ, यानी भागता हूँ उन्हें मारने के लिए। पर यहाँ पे होने वाला है धोखा। यहाँ पे दो बंदे नहीं, यहाँ छः बंदे खुद होते हैं और वो बंदे मेरे भाई पे। गन मिल गई तेरे को? देखने को मिलेगा आपको ये भी, तो चलते हैं। यहाँ पे मैंने अपने भाई को बुलाया होता है कि भाई इधर आ जाओ, तुम आगे चलते हैं रस्ते मारने। मेरे पे बंदा है, दो बंदे आ गए भाई पे। दो बंदे चढ़ जाते हैं और मेरे पे भी दो बंदे आ रहे होते हैं। इनको पता नहीं होता कि मैं आऊं, तो मैं इन्हें पकड़ लेता हूँ कुछ तेजी में। यहाँ पे हमारे भाई को पता नहीं होता कि वो बंदे कहाँ हैं, बस बंदे बता रहे होते हैं कि फुटस्टेप दबा के आ रहे हैं, मतलब भैया बंदे दबा के हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि छज्जे पे घूम रहे हैं। मैं फटाफट से इनकी गन आ गया मेरी बिल्डिंग में, आ गए। चलता हूँ आगे और भाई सब गलती से नेड अपने टीममेट पे कर देता मैं, पर मैं देख लेता हूँ। तो भाई हमारे भाई यहाँ कह रहे होते हैं कि भाई हम पे सिर्फ शॉट गन है, ऊपर आ जाओ भैया जल्दी से बचा लो हमें। तो मैंने कहा भैया आ रहे हैं, उनको बाद में पे लेंगे, पहले तुम्हें बचाएंगे। तो भैया यहाँ पे हमें भाई को UMP मिल जाती है, तो हम आगे चलते हैं। आगे भाई बंदा मुंह पे आ जाता है एकदम, कभी सर में दे के मारता हूँ गोली उसकी। तो यहाँ पे क्या सीन होता है भाई, ये हमारे भाई हमारे टीममेट इसे मार देते हैं इसे, और यहाँ पे हमें कभी ज़्यादा ही जानलेवा हमला होता है, यानी एकदम सेफ्टी बनने वाला हमला। तो हम उसे भी पकड़ेंगे, पर पहले यहाँ बात करते हैं उस S12 के वाले की, जो भाई एकदम मुंह पे चढ़ गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत बुरी तरह से नॉक हुआ। मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि भाई मैंने गोली चलाना ही भूल गया, इसलिए अजमा था और उसमें बहुत बेइज्जती फील होती, इसलिए मैंने हटा दिया। तो अब यहाँ पे हम आपको देखने को मिलेगा एक अति रैंडम नेड जो फट जाता है, जो लगा नहीं था फटेगा। एनिमीज़ अहेड। भाई यहाँ पे हमारे भाई ने मार्क लगाया था कति सही, पर मैं फेंकता हूँ कति उल्टा नेड और उससे भी वही चमत्कार हो जाता है जिंदगी में, और वो बंदा नॉक हो जाता है। Enemies ahead. तो भाई मैं फटाफट आधा उधा हील मार के आगे बढ़ता हूँ, और भाई साहब जो इनका लास्ट टीममेट होगा ना भाई, कहाँ ही लेटा होगा वो आपको देख के हैरानी होगी, भैया ऐसे कैसे एक क्यों नहीं दिखा वो। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ ये है इसका लास्ट, ये तो बॉट था। तो भाई यहाँ पे एक और मुंह पे सामने बॉट जाता है, पर ये भी बॉट निकला। तो मैं अपने किल्स पे देखता हूँ भाई, मेरे को एक किल कम आया, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और तभी मेरे को नॉक वाले के फुटस्टेप्स आते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ इसका टीममेट अभी जिंदा है। तो मैं इस नॉक वाले को ध्यान से फिनिश करने की कोशिश में जाता हूँ, जिसके कारण मेरी पेटी बनते बनते बचती है, मेरे को वैसे डैमेज नहीं होता। ये बैरल का रिकॉइल कंट्रोल करना थोड़ा, तो भाई वो मेरे बॉट की किल भी चुरा लेता है, तो इसका टीममेट तो मर जाता है। तो मैं कहता हूँ अपने भाई को जरा आगे जाना, इसे बेट दे के मारेंगे। फ्री फायर में पकड़ लेता हूँ और हमारे भाई इसी से जाके उसके मुंह पे लेट जाते हैं। तो मैंने कहा भाई नोवो में चलते हैं कि भैया मिलिट्री बेस तो बंदे नहीं आए, और नोवो पहुँचते फ्यूल की तैसी हो जाती है। तो यहाँ से हम डसिया लेके भगते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कोई नहीं होता और सारे के सारे घर बंद पड़े होते हैं, यहाँ कोई भी नहीं उतरा। तो भाई यहाँ पे हमें बातों पर वो बच जाता है। इस बंदे को ढूंढने के लिए ना साल निकल जाते हैं, पर ये बंदा नहीं मिलता। कोई बात नहीं, एक किल और कम हो गया, बॉट की किल भी कम हो गई, तो क्या ही कर सकते हैं। मैं अपनी फुल तेज़ी में रफ्तार में भगाता हूँ, इसके आसपास घुमाता रहता हूँ, हमें मिलता नहीं। तो भाई मेरे भाई कह रहे होते हैं कि भाई एक और राउंड मार ले, क्या पता मिल जाए। मैंने कहा भैया सामने हो रहा है ड्रॉप, तो हम चलते हैं। तो फिर मैं भाई की बात भी मान लेता, मैंने कहा इस तरफ ज़रा घुमा के देख लेते हैं, मेरे कितना बड़ा झूठ है। मेरी गाड़ी मुड़ गई, इसलिए मैंने वहाँ मोड़ ली, आलस नहीं किया। तो भाई हम आते हैं ड्रॉप पे, यहाँ पे पहले से ही गाड़ी पूरा ड्रॉप लूट के भाग गई, और ये वही लौंडा होता है। तो मैं स्पेस और इसका पीछा करते हैं। भाई ये पता नहीं कहाँ से गाड़ी खुदा डालता है कि भैया मैं कहीं नहीं मिलती।
तुम देखो भाई मैं कहाँ कहाँ घूम के आता हूँ। ओ भाई साहब इतना घूमने के बाद एकदम मैं जाता हूँ घरों में जहाँ फाइटें चल रही होती है, और इस मासूम बॉट को देखो जो बेचारा, मतलब इस बॉट को देख के ना मेरे को रोना आ गया भाई। क्यों इसको क्यों कॉन्करर पुश करना भैया, हमें करना है हमें करने तो। और यहाँ पे आते ही हमें एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं, जो भाई साहब आते ही नीड नूट फेंक देता है, तो मैं लूटने बैठ जाता हूँ। और इसकी वजह से मेरे को आवाज़ नहीं आती, वो कब खुदा पर मैं फ्री फायर में आ जाता हूँ। कति आसानी से फ्री फायर में आते हुए इसकी पीटी बना देते हैं। और भैया यहाँ पे जो मैं कॉम्बो उठाने वाला हूँ ना, वो आप ज़िंदगी में मत उठाना, क्योंकि भैया मैं तो नस होने था, तो आप मत होना। आगे आपको देखने को मिलेगा M249 का 3X का स्प्रे, 6X इसलिए नहीं बोला क्योंकि 6X को 3X कन्वर्ट करके चलाता है भैया, 6X कुल औकात नहीं है। तो मेरे सामने एक बर्ड की पीटी बनाई जाती है या फिर बंदा होगा वो, मैंने ध्यान से देखा नहीं। M249 भर देता हूँ। तो भाई अब मैं यहाँ से सोच रहा होता हूँ कि भाई यहाँ से निकले फटाफट से, पर इतने में फायरिंग इतनी तेज़ आती है कि मेरी भैया हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है, तो तुम देखना अभी क्या सीन होंगे। भाई साहब मेरे को पता नहीं कुछ इस तरह से शॉट्स आ रहे थे, मैंने ऊपर से देखने की कोशिश करी, मेरे को दिखे नहीं कोई बंदे, तो मैं भैया फुल हील मार के फटाफट से इधर आ जाता हूँ। और ये था कति टट्टी, गाड़ी स्टैंड कर दी थी मैंने अभी हवा में। तो हमें यहाँ बंदा दिखता है जो मेरे को फिर से 10 SP कर देता है, और ये बंदा ना कुछ ऐसी हरकत करता है कि भैया देखने लायक होती है, कति मज़ा सा जाता है। और मुझे लगता है भैया यहाँ कोई नहीं है, बस ये एक ही बंदा है, इसको भैया पकड़ लेंगे, पर नहीं इसका टीममेट भी यहीं होता है, कति ज़्यादा ही कैंपिंग, देखना भाई तो वो भी M249 लेके। भाई यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मैं को लगा भाई मेरी फर्स्ट एड लग गई होगी, भाई मैं उधर देखने लग गया, तो इतने में वो गाड़ी लेके भग गया। तो अब मेरे को लगा ये अकेला बंदा है इसलिए लेके भग गया, और यही होगा क्योंकि गाड़ी ये खड़ी, और ये वही होते हैं जो भैया इतनी देर से घूम घूम के आ रहे थे, जो ड्रॉप भी लूट के लाए थे। और ये देखना भी मतलब कहाँ कहाँ बैठा हुआ है ये। अबे भाई क्या ही कर रहा था भाई, हमें कह रहे हैं उसे कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, बस भाई मैं इतना समझ पा रहा था ये कैंपिंग कर रहा था, वो भी M249 लेके। अगर ये ढंग से कुछ कैंप करता ना तो भैया पकड़ के दोनों की पेटी बना देता, वैसे मेरे पे भी M249 थी, मैं भी इसकी बना देता। और मैं यहाँ सोच रहा था कि डबल M249 ले लूँ, पर मज़े नहीं आते यार, स्नाइपर भी होती है यार काम की, और ये स्नाइपर मेरा एक किल बचाएगी, यानी एक किल मेरे को इसी की वजह से मिली। एमके भी चलाई थी दूर से, उनका होता हूँ कि भाई इसका टीममेट रहा भाई, ये टीममेट भैया उसका तो पता नहीं होता, पढ़ाएगा तुम आगे चल, किल चुरा किल चुरा। और वो एक मासूम बंदा जो आराम से रिवाइव हो रहा था, उसको मैं फिर डाल देता हूँ। अबे वो देख, तो भैया यहाँ पे हो जाता है एक बंदे का रश, जिससे 1v1 होके एक बंदा मर जाता है गिली सूट वाला। और ये जो बंदा है ना सफ़ेद कपड़ों वाला, ये कति तेज होता है बिल्कुल ही, जिगलिंग जगलिंग सब दे देता है, भैंस की आँख टीपी वीपी भी सब लेके बैठा होता है, तो इसे मैं इसे मार नहीं पाता, ये मेरे को फील्ड से भागा ना भैया, हैकर भैंस की आँख, मैं नहीं खेल रहा गेम, बता रहे होते कि वो वहाँ भागे जा रहा है, मेरे को नहीं पता क्यों भाग रहा है, वैसे मैंने किया था। और ये भाई फुल तेज़ी में भाग जाते हैं, और यहाँ पे मैं गलती करता हूँ, मेरे को आराम से बैठना चाहिए था, क्योंकि ये बंदा टीवी पे ले रहा था दबा के। तो भैया टीवी पे मस्त चीज़ है, जिससे आप बंदों की ऐसी तैसी कर सकते हो, जैसे मेरी हो गई, बस पीटी भी बना सकते हो नॉक फिनिश दे के, बस इसने मेरे को फिनिश नहीं किया, वो बहुत ही बढ़िया। तो हमारे भाई अब यहाँ पे क्या क्या चलाएंगे वो देखना। आप बता दो पबजी वालों ने गेट बनाए क्यों है तोड़ने के लिए, भैया पूरी M249 छेद दी, बंदे नहीं मारा भैया, पूरा गेट तोड़ दिया, उसके बाद जाके बंदा मारा।
तो मैं यहाँ पे सोच रहा होता हूँ भैया ये तो नूबड़ा बंदा है, ये देखो ये जो आ रहा है, तो मैं सोच रहा होता हूँ कि यहाँ पे AWM से किल लूँ मस्त, पर क्या ही कर सकते हैं भैया, जिंदगी ही ऐसी है, क्या ही कर सकते हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये किल किसी और को जाने वाला है, ना ही मुझे ना ही मेरे टीममेट को, तो आप समझ गए होगे कहाँ पे जाएगा ये किल। ये भाई बंदा इतना डेंजरस होता है ना कि भाई मैंने इसके लिए नेड फेंक दिया, स्मोक फेंक दिया, ये बंदा आके राजी नहीं होता, तो मेरे को ही घुसना पड़ता है, और जितनी देर में घुसते हैं उतनी देर में भैया पेटी है, जिसके कारण हमारा तो चिकन हो जाता है पर मेरा किल कम हो जाती है, वैसी गेम में किल कम मिली। तो आप देखें कैसे मेरे को ये बंदा दिख रहा था, इसकी गन दिख रही थी धीरे धीरे, तो मैं सोच रहा था इस पर नेड़ वेड़ फेंकूँ, मैं दबा दब नेड़ करवाए और किए, स्मोक भी बना दिया भाई, तब भी भाई बंदा आया नहीं यार, किल दे के नहीं मारना बिल्कुल ही। तो बस भाई लोगों आज के लिए इतना ही, चलते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना ऐसे ही बकचोदी के लिए।